बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज जो रिव्यू है यूनिट नंबर 2 की, उसका पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 8 कुछ इस तरह है, कहता है कि इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो आपके पास ये दो रूट्स हैं, इनकी मदद से आपने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कर देता हूँ। सम कर लें, 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाता है आपके पास, 3 × −1 − 3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं आप, 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1, तो 9। इक्वेशन आपने की थी x²−SX + P = 0, x²−−3x + 9 = 0, ये प्लस हो जाएगा x²+3x + 9 = 0। सिंपल, ये आपके पास जो है वो पार्ट नंबर 8 आ जाएगा। उसके बाद जो पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 कैसे करना है आपने, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो उसके लिए आपने एक्सरसाइज पार्ट नंबर 9 के लिए आपने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लेना है, यानी जो पार्ट नंबर 1 होगा उसका क्वेश्चन नंबर 1, और वो आपने इसको चेक कर लेना है अच्छे तरीके से। रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड चेक कर लेना है। इसी तरह 10 वाले में भी आपने एक्सरसाइज 2.6 की तरफ ही बढ़ना है। तो 2.6 का कॉन्सेप्ट आपने लेते हुए आपने ये बताना है कि x − 2 इज़ आ फैक्टर, यानी आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर फैक्टर के लिए 3 भी इसी तरह है, 4 भी इसी तरह है, ठीक है ना, तो वो आपने इसको खुद कर लेना है। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लें, 4 चेक कर लें, इसी तरह आपने इसको कर लेना है 10 को भी। इसी तरह 11 की तरफ बढ़ते हैं, तो पार्ट नंबर 11 एक्सरसाइज 2.4, सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो उसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लेना है, या आप 2.3 की मदद से भी इसको कर सकते हैं, 2.4 की मदद से भी कर सकते हैं, जो मर्जी आप चेक कर लीजिएगा एक्सरसाइज। सम और प्रोडक्ट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, सम इज इक्वल टू होता है −b/a, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है किसके, ये सिंपल होगा c/a, यानी अल्फा बीटा अगर रूट्स हों तो। तो ये आपने उसको चेक कर लेना है। तो इसी तरह जो पार्ट नंबर 12 है, पार्ट नंबर 12 को भी आपने इसी तरह चेक कर लेना है। कहता है फाइंड 1/α² + 1/β² तो ये आपने एक्सरसाइज 2.4 की हुई है इसी तरह, तो आपने इसको फाइंड कर लेना है एक्सरसाइज 2.4 के कॉन्सेप्ट से। इसी तरह पार्ट नंबर जो इसका 13 है, पार्ट नंबर 13 भी 2.4 की ही कॉन्सेप्ट से आपने करना है। 2.4 का कॉन्सेप्ट ले और पार्ट नंबर 13 खुद सॉल्व कर ले इसको। इसी तरह जो 14 वाला पार्ट है, सिंपल यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जो इसका पार्ट नंबर सी है उसमें कहा गया है α − β फाइंड करें। तो α − β का फार्मूला होता है हमारे पास α + β² − 4α β, ये हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में ये यूज़ किया हुआ है फार्मूला, तो ये आपने इसको चेक कर लेना है। इसी तरह जो इसका 14 वाला पार्ट है, 14 वाला पार्ट भी क्या इसी तरह कहता है इफ़ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसके लिए आपने एक्सरसाइज 2.5 का कॉन्सेप्ट लेना है। एक्सरसाइज 2.5 के कॉन्सेप्ट को लेते हुए आपने इक्वेशन बनानी है। सिर्फ जो पार्ट नंबर ए है उसको चेक कर लें, लिखा हुआ है −α − β, तो जब आप इसका सम लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा α + β, आप प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास सिंपल α β ही आ जाएगा। तो यानी इस तरह आपके पास सम और प्रोडक्ट आ जाएगा, इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। हमारा यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसको आपने अच्छे तरीके से खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, जहाँ से मसला हो प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखना है आपने,
इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।